हाय दोस्तों, नमस्कार। इंडियन पोल्ट्री फार्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक एसिड बनवाने के लिए आप लोगों को कौन सी चीज़ें जो है मतलब मिनिमम होना ही चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास एक शेड होना चाहिए। चलो शेड आपने बना लिया, ठीक है, एसी शेड, ठीक है ना। ये कूलिंग पैड हो गया, लंबाई चौड़ाई जो है अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास एक डीजी होना ज़रूरी है भाई साहब, बिना डीजी को हो ही नहीं सकता। एसी शेड का मतलब होता है कि मान लो कि इन्वायरमेंटल शेड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो 24 घंटा फैन चलता रहेगा, ह्यूमिडिटी सेंसर चलता रहेगा, टेम्परेचर सेंसर चलता रहेगा, है ना। तो आपके पास एक डीजी होना चाहिए बढ़िया। ये 125 KVA का, उसके बाद आपको एक ट्रांसफार्मर कम से कम जो है कि 100 KVA का चाहिए। वो छोटा वाला जो है ना, पीटी का मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सॉरी वो है सीटी का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर। ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर है 100 KVA का। पीटी का मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, तो करंट ट्रांसफार्मर है। ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर है 100 KVA का। और सीटी इसलिए लगा है कि तीन शेड है इधर, है ना, तीन शेड है। तो इसकी जो है कि करंट कैपेसिटी बहुत हाई है, लोड बहुत ज़्यादा हाई है। ये ऑटोमेटिक पोल्ट्री फार्म है, ठीक है ना। तो इधर 1, 2, 3 है ना, तीन है। तो इसके लिए तो मान लो एक ट्रांसफार्मर हो गया, उसके बाद आपका डीजी हो गया इधर, है ना, ये डीजी हो गया। अब ये साइलो देखो, बड़ा वाला साइलो, दूर से मैं दिखा दूँ आप लोगों को। साइलो हो या ना हो, लेकिन एक डीजी होना आपके पास ज़रूरी है अगर एसी फार्म खोलना चाहते हो। उसके बाद ट्रांसफार्मर होना ज़रूरी है, उसके बाद शेड, ठीक है ना। बस और कुछ नहीं, एक हो सकता है तो एक फीड गोदाम है, आप गोदाम रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फीड कहाँ रखते हो, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक चलता है, तो इसको मैं बता दूँ। देखो ये फीड गोदाम है, फीड गोदाम से ये पाइप देख रहे हो ना, ये पाइप जो है कि ले कर जाता है आपको कहाँ, वहाँ साइलो, साइलों में, ये मेन साइलों में। देखो उधर मोटर लगा है, दिख नहीं रहा है ना, वो मोटर लगा है। अब वो पाइप ये गोदाम से निकलता है, जाता है किसमें, साइलों में। और साइलो से फिर फुल होता है। तो फिर फुल होने के बाद ये देखो, यहाँ से ना, यहाँ से निकल के ये खींच कर ले कर जाता है। देखो पाइप कहाँ तक गया, कहाँ तक दिखाऊँ यार। देखो मतलब ये पाइप निकलता है तो लेके जाएगा वहाँ तक, सेंटर तक। चलो मैं दिखा देता हूँ, बाद में भी बता दूँ। ये देखो कूलिंग पैड है ना, कूलिंग पैड आपके डिपेंड करता है कि टनल फैन कितना है, ठीक है ना। तो आप समझ लो एक टनल फैन के लिए 4 कूलिंग पैड चाहिए, ठीक है, ये ना कूलिंग पैड। अब ये देखो पाइप कहाँ से जा रहा, वहाँ साइलो से आया पाइप। चलो पाइप देखो, वहाँ साइलो से आया ना। अब देखो वहाँ एक बड़ा वाला साइलो लगा है, मतलब उससे बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो यहाँ से, अब यहाँ से सारी जो है तीन शेड को भेजा जाता है, ठीक है, तीन शेड को ये जाता है। देखो वो पाइप वहाँ साइलो से आया ना, तो ये देखो ऊपर लेके जाएगा, ऊपर लेके जाएगा। देखो ऊपर से पाइप है ना, इसमें भरेगा। देखो वो वाइट दिख रहा ना, इस साइलो में गिरेगा। अब ये साइलो जो है, अब इस साइलो से देखो, इस साइलो से ये लेके जाएगा, वो भी साइलो है ना। और फिर यहाँ से दो पाइप निकल रहा, देख रहे हो ना, एक ये पाइप है, एक ये पाइप है ना। अब यहाँ से लेके फिर जाएगा, और फिर एक सेंटर से निकला है ये वाला, ये लेकर चला जाएगा ये वाला साइलो, ये वाला लेके चला जाएगा। अनदर दूसरा शेड है, वहाँ लेके चला जाएगा। तो यहाँ है, तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक डीजी होना चाहिए, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर होना चाहिए, एक जो है आपको शेड होना चाहिए। तो ये ब्रीडर फार्म है, मुर्गी अंडा देने वाली है, मतलब दे रही है ना। तो सारी चीज़ें जो है कि आप कितना ज़रूरी है, अगर कुछ क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। आप देख लो यहाँ टनल फैन वहाँ चल रहा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, टनल फैन में दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो
वो उंगली किधर गया यार मेरा, वो देख रहा हो ना, वो टनल फैन है। इसमें बरसात का समय चल रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है भाई साहब, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है ना शेड के अंदर, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। तो बरसात चल रहा है, तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है आपके शेड के अंदर तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है कि ह्यूमिडिटी बढ़ रही है बरसात की वजह से। क्या होता है कि जो बारिश का पानी ज़मीन पे गिरता है ना, वो वेपराइज होके है ना, वो वेपराइज होके है ना, वो निकल जाता है। तो ये जो पीला पीला आप देख रहे हो ना, इसको एयर इनलेट बोलते हैं। थोड़ा सा एडवांस पोल्ट्री फार्म है ना, ये पीला वाला एयर इनलेट हो गया, ठीक है। और जो है कि ये इमरजेंसी विंडो है, कभी लाइट भाग गया, जनरेटर काम नहीं किया, तो यहाँ से हवा के लिए हम लोग छोड़ देंगे, है ना। बाकी ये फुल्ली ऑटोमेटिक एसी शेड है, मुर्गियाँ अंडा दे रही हैं। मेरे को लग रहा है कि 2-4 महीने से ये अंडा दे रही हैं, और 3 दिन के अंदर जो है कि 20 लाख 25 लाख 30 लाख के ये सब अंडा दे देती है। एक शेड से नहीं, 3 शेड है, 3 शेड से मिला के। हाँ, जो साइलो दिखा रहा था ना आप लोगों को बाहर, वो देखो फिर वो साइलो से पाइप यहाँ आता, देखो मोटर लगा है ना, मोटर लगा वो ये बाहर से, जो बाहर साइलो लगा था, बाहर साइलो से खींचा एक यहाँ खींच के, ये जो है चलता है, देखो उसमें मोटर लगा, देखो वहाँ से फिर वो गिरता आता है, जाता है, आता है तो पूरे लूप में चला जाता है। फिर वो जो वाला जो पाइप गया है, वो वाला पाइप गया, देखो वहाँ भी एक मोटर लगा है, ठीक है। अब वो वाला पाइप गया है, वो मोटर खींचता है, तो उस वाले लगता है, तो वो मोटर नीचे वाला मोटर चलाता है, वो एक तरह से क्या होता है कि ऑटोमेटिक फीडिंग हो जाता है, समझ रहे ना। ये जो है ना पतला वाला, ये भी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, भाई साहब एसी शेड का पूरा दारो मदार जो है ना इसी टेम्परेचर शेड पे, एसी टेम्परेचर सेंसर पे, ये टेम्परेचर सेंसर है ना, एसी शेड दुनिया का किसी भी कोने में बना होगा तो सारो दारो मदार एसी टेम्परेचर सेंसर पे डिपेंड है भाई साहब, ये टेम्परेचर सेंसर, ठीक है ना, यही चलाता है पूरे शेड को, देख लो। जो है कि यही चलाता है पूरा दारो मदार इसी पर है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, अगर कोई नया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ढेर सारी वीडियो मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।